पतंगबाजी का शौक बिजली विभाग के लिए जी का जंजाल बन गया। पतंगबाजों के विरुद्ध बिजली विभाग की ओर से मुरादाबाद के नागफनी थाने में शिकायत दर्ज करा उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। बिजली विभाग के अनुसार पतंगबाज लोहे के तार के मांझो व चीनी मांझे का प्रयोग कर रहे हैं और जब पतंग कटके बिजली के तारों पर गिरती है तब बिजली ट्रिप हो रही है, जिससे विभाग के साथ साथ क्षेत्रीय नागरिकों में भारी रोष है। किसी चीज का शौक रखना सही होता है, लेकिन अपना शौक किसी के लिए मुसीबत बन जाए तो फिर पानी सर से ऊपर पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ नागफनी थाना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के लोग जमकर पतंगबाजी करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय लोगों का ये शौक बिजली विभाग के सर का दर्द बन गया है। बिजली विभाग के अनुसार यहाँ के लोग पतंगबाजी में लोहे के व चीनी मांझे का प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण से जब पतंग कटकर बिजली के तारों पर गिरती है तब बिजली ट्रिप हो जाती है। बिजली की सप्लाई शुरू करने में विभाग के कर्मचारियों को वक्त लगता है, जिससे क्षेत्र के लोगों के मन में बिजली विभाग के विरुद्ध रोष उत्पन्न होता है। फलस्वरूप लोग सड़कों पर उतरकर विभाग को कोसते हुए दिखाई देते हैं। विभाग ने पतंगबाजों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का सहारा लिया है। विभाग ने नागफनी थाने में पतंगबाजी की गिरफ्तारी के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। विभाग के अपर अभियंता संतोष कुमार के अनुसार पतंगबाजी के चलते विभाग को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, साथ ही क्षेत्रीय लोगों को भी बिजली ट्रिप होने से परेशानी उठानी पड़ रही है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। मेरा नाम संतोष कुमार है। भाई साहब, इस क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पतंग उड़ रहे हैं और पतंग में जो है ना वो लोहे का डोर बांध देते हैं, डोर में जो है ना पतंग मतलब लोहे का धागे बांध देते हैं और वो जो पतंग जब गिरता है ना कटने के बाद, वो पतंग जब कटने के बाद गिरता है ना तो सीधे मेरे लाइन पे गिरते हैं, 33 के लाइन और 11 के भी के लाइन पे गिरते हैं। उसके बाद जो है ना विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में बाधित हो जाता है और इस समय वैसे भी ये सब क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में है तो घर से लोग जो है ना बाहर निकल के इकट्ठा होकर के बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोशित होते हैं। अब वो आक्रोश से हमको लग रहा है कहीं क्षेत्र का माहौल ना खराब हो जाए, तो इसलिए जो हम लोग हर मतलब थाने में FIR दिया हूँ कि ताकि जो है ना और जो पतंग उड़ाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले और उनको जो है ना बंद करे, ताकि ये इस सब क्षेत्रों में पतंगबाजी कम हो और मेरा सप्लाई अच्छे से चल चले और बिजली विभाग का जो है ना जो मतलब नुकसान हो रहा है वो मतलब सही रहे, मतलब कोई परेशानी ना हो उसमें। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइन तो देखो मेरे यहाँ रिले काम करता है सही, लाइन पे जब 11 के भी लाइन पे जब अगर पतंग गिरता है तो मेरा रिले ट्रिप कर जाता है, रिले बंद हो जाता मतलब फीडर जो है ना ट्रिप कर जाता है। लेकिन अब 11 के मेरा 33 लाइन पे जब ये होता है तो 132 वाले जो है ना वो उनके यहाँ पता नहीं ब्रेकर में क्या समस्या है, वो बंद करके बैठ जाते हैं 4 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का, यहाँ तक सप्लाई ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर हम लोग के यहाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान, लोहे के चने के सब मतलब बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ और अभियंता के पद पर हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.